हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनोज जॉब इन्फॉर्मेशन एंड माय नेम इज मोनोज और आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो कि आपको सीजीएल पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी निकली गई। फ्रेंड्स, उसके बारे में हम पूरे डिटेल चर्चा करेंगे जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जो कि सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी जो कि ग्रुप बी एंड सी लेवल का जो कि स्टेट कैडर पोस्ट इन डिफरेंट ऑफिसर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का अंतर्गत फ्रेंड्स आपको पोस्ट दिया गया है जो कि फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन www.odssc.gov.in पे जाके यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई वहीं पर आप क्लिक करके इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड बात करते हो फ्रेंड्स इसका डेडलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड स्टार्ट डेट दी गई अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए 11 नवंबर 2022 से लेकर आपको 10 दिसंबर 2022 तक यहाँ पर लास्ट डेट दी गई। और फ्रेंड्स मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन मोड ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स जो कि सीरियल नंबर उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट एंड सर्विस के बारे में दी गई नेम ऑफ डिपार्टमेंट दी गई टोटल नंबर ऑफ कितना वैकेंसी है वहीं पर आपका क्लेरिफिकेशन ऑफ पोस्ट दी गई और उसका कंपोनेंट से ग्लोबिकेशन और पोस्ट के बारे में दी गई। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट एंड सिटी एंड जीएसटी ऑफिसर के लिए कमीशन ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से आपको 107 वैकेंसी दी गई जो कि लेवल रहेगा फ्रेंड्स 9 जो कि 35,000 से लेकर आपको 12,000 सॉरी फ्रेंड्स 112,000 तक आपको सैलरी दे देगी जो कि ग्रुप बी लेवल का आपको जॉब होगा। यही पे फ्रेंड्स आपको सभी का चेकआउट कर सकते हो जो कि ऑडिटर ग्राम पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर इस तरह हैंडीक्राफ्ट एंड प्रमोशन ऑफिसर यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट एंड सबका दिया गया फ्रेंड जो कि फ्रेंड्स आपको कुल मिला के फ्रेंड्स 1,267 पोस्ट आपको वैकेंसी के बारे में दी गई। और फ्रेंड यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड ऑफ एंड रिजर्वेशन की बात करते हैं फ्रेंड देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन का दिया गया है देख सकते हो आपको SC ST OBC PWD कैंडिडेट लिए कितने रिजर्वेशन है यहाँ पर पूरे मेंशन की गई। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो एज लिमिट के बारे में दी गई तो फ्रेंड्स यहाँ पर एज लिमिट 21 से लेकर 38 एज आपको होना चाहिए तब जाके इस फॉर्म को आपको किया जाएगा। और फ्रेंड एज का कट ऑफ किया जाएगा 1 जनवरी 2022 को आपको एज कट ऑफ किया जाएगी। इस तरह फ्रेंड SC ST OBC के लिए फ्रेंड्स आपको 5 ईयर्स एज सिलेक्शन दी गई है ओके। और फ्रेंड यहाँ पर जानकारी के साथ फ्रेंड्स आपको प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दी गई जैसे कि द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व कॉम्प्रेज 3 स्टेजेस पे आपको कंडक्ट किया जाएगा जो कि स्टेज 1 में कैसे रहेगा स्टेज 2 में आपको कैसे रहेगा यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई जो कि स्टेज 3 में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा फ्रेंड्स ओके। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर दी गई देख सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर NX6 पे द डिटेल सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में दी गई फ्रेंड जो कि आपको सिलेबस प्रिलिमिनरी और फ्रेंड आपको मेन एग्जामिनेशन कैसे होगा यहाँ पर सिलेबस के साथ आपको जानकारी दी गई यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो ओके। जो कि पेपर 1 पेपर 2 डिटेल सिलेबस दी गई जो कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट कैसे होगा यहाँ पर आपको दी गई मैथमेटिक्स का पूरी सब जानकारी इस सिलेबस का दी गई फ्रेंड्स ओके। और फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में और कुछ भी हम मुझे पर्सनली पूछना चाहते हो फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो फ्रेंड्स मैं आपको पूरी मदद करूँगा ओके। फ्रेंड्स थैंक यू।